आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्यों डूबेगी जिसमें यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सभी नाम का यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नजदीक में आते हैं, और इस भोर के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, इस दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के भोर के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने वाले परमेश्वर, हर प्रकार के हानि नुकसान से बचाने वाले परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हमारे जीवन में एक नया सवेरा जोड़ दिया, इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, आपके जय जयकार करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें, क्योंकि वो योग्य है, वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है, वो स्तुतियों के योग है, मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस भोर के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे सारी विपत्तियों से बचाऊंगा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे विपत्तियों को दूर कर दूंगा, तेरी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, तेरे निकट हजार और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे डेरे के पास नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे सारी विपत्तियों से बचाऊंगा, ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियों। परमेश्वर हर एक विपत्तियों से बचाता है, हर एक आपदाओं से बचाता है, हर एक बुरे संकट से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के अलावा कोई बचा नहीं सकता, हमें परमेश्वर के अलावा कोई छुड़ा नहीं सकता, परमेश्वर के सिवा हमारी कहीं भलाई नहीं। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, हे मेरे खुदा, तू मेरा ही खुदा है, और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर तेरे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। इसलिए दाऊद कहता, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही का नाम लेंगे,
उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा खुदा हर संकट से, हर विपत्तियों से, हर आपदाओं से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, बुरे संकट से बचाता है, बुरे समयों से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे चारों ओर बहुत कठिनाइयां होंगी, हमारे चारों ओर कई प्रकार की मुसीबतें होंगी, हमारे चारों ओर विपत्तियां नजर आ रही होंगी, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ है, हमें विपत्तियों से बचाने के लिए, अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए, बुरे संकट से बचाने के लिए, अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए, और हर एक आपदाओं से बचाने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हमें किसी से नहीं डरना, चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमारे ऊपर कितने ही बड़े संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें कभी नहीं डरना। हो सकता है हमारे शरीर का नुकसान कर सकता है, हो सकता है हमारे जो चीजें हैं उसके नुकसान कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का कभी भी नुकसान नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझे सारी विपत्तियों से बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हमारा खुदा कभी ना ऊंघता है, ना कभी सोता है, वो हमें सारी विपत्तियों से रक्षा करता है। पल पल, सेकंड सेकंड, वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए प्रभु के पास आइए, प्रभु के नजदीक में आइए, प्रभु के चरणों में आइए, और उसको धन्यवाद कीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए, उसके नाम की जय जयकार कीजिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, विपत्तियों से बचा सकता है, हर प्रकार की बुराइयों से बचा सकता है, संकट से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो योग्य है, हर एक कार्य के लिए वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, हर एक जन को तेरे पवित्र लहू के नीचे लाता हूं। जिस स्थानों से प्रार्थना हो रही परमेश्वर, उन स्थानों को पवित्र आत्मा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, और परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार पिता परमेश्वर समुद्र जल से भरा है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आपकी महिमा के ज्ञान से ये पृथ्वी भर जाए, आपकी महिमा के ज्ञान से ये लोग भर जाए। यीशु के नाम से रबा शंदा रबा नला रबा रिखा नला रथी नला रदा दा नला रदा बारबा शंदा रबा नला रबा। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जितने भी आज तकलीफ में है, मुसीबत में है, विपत्तियों में है, संकट में है, प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर से सब प्रकार की टेंशन, चिंताएं, मुसीबतें, संकट खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, सारी विपत्तियों से तू बचाने वाला खुदा है। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तू बचा ले तेरे लोगों को, बचा ले तेरे लोगों को नुकसान होने से, बचा ले पिता परमेश्वर, तू आशीषित कर तेरे लोगों की, तू सहायता कर, सारी विपत्तियों से बचा खुदा। और विशेष करके पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बाढ़ आए हैं जगह जगह पर, पिता परमेश्वर जगह जगह पर बाढ़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तू बचा ले, पिता परमेश्वर तू बचा ले लोगों को, बचा ले पिता परमेश्वर, तेरा क्रोध ना भड़के पिता परमेश्वर, तेरे कहर से लोग बच जाएं पिता परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाले बन जाए, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बन जाए, तेरे वचन के अनुसार कार्य करने वाले बन जाए। हम सभी के पाप और अपराधों को, गुनाहों को तो क्षमा कर दे परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर मनुष्यों के पाप के खातिर तेरा कहर हर जगह हो रहा है। मेरे प्रियो, अब जानते हैं कई दिनों पहले बुरी बुरी बीमारियों से लोग मरे, आंधी तूफान से लोग मरे, लेकिन अब बाढ़ से लोग मर रहे हैं।
लेकिन यदि मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, यदि हम प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, तो वो हमें हर विपत्तियों से बचाने में सामर्थ्य है। हो सकता है हमारे चारों ओर विपत्तियां होंगी, बाढ़ होंगी, तकलीफें होंगी, चिंताएं होंगी, लेकिन परमेश्वर उन विपत्तियों से, उन संकटों से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जो मेरे लोग कहलाते हैं, मन फिराते हैं, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, तेरे लोगों के पाप और अपराधों को क्षमा कर दे और विपत्तियों से बचा ले यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानते हैं, हर एक जीव अंगीकार करे और हर एक घुटना तेरे सामने टिके, से प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। तुझे जाने, तेरे कहर को पहचाने, तेरे क्रोध को पहचाने और तुझ पर ईमान लाए, तेरे सामने, तेरे चरणों में पिता परमेश्वर घुटने टेकने वाले बन जाए, इसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो दुख और तकलीफ में है, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, प्रभु तू छू कर छंगाई दे, सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, चंगाई दे, आशीष दे खुदा। हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपके जयजयकार हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चाहे वो कोई सी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे वो टीबी से ही क्यों ना पीड़ित हो, चाहे वो कैंसर से ही क्यों ना पीड़ित हो, चाहे वो एड्स से ही क्यों ना पीड़ित हो, शुगर, नाना प्रकार की बीमारियों से क्यों ना पीड़ित हो, लेकिन आज तूने उठाकर खड़ा कर चंगाई दे खुदा, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो आपको सारी विपत्तियों से बचाएगा, सारे संकट से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, सब प्रकार के रोगों से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन बेरोजगारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनाथ और विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से। अनाथ और विधवाओं का स्वामी तू है, उनकी सुधि रखने वाले परमेश्वर तू उनके साथ हो, उनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर, यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जितने भी बेरोजगार हैं, उनके लिए तू रास्ता खोल दे, उनके लिए मार्ग को तू तैयार कर यीशु के नाम से। प्रभु तू आशीषित कर, ताकि उनके गरीबी, कंगालपन, कर्जा, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए और उनका जॉब मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें और नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आपको सारी बीमारी, सारे प्रकार के रोग, तकलीफ, मुसीबत, चिंताएं और सारी विपत्तियों से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास कोई औलाद नहीं, प्रभु तू दया कर, रहम कर परमेश्वर, उनके कोख को खोल दे, उनकी सारी चिंताओं को दूर कर। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमारी है, तकलीफ में है, चिंताओं में है, कमजोरी है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो कमजोरियां दूर हो जाए, उनके कोख को खोल दे और अंधकार की शक्ति मिटने पाए। प्रभु तू दया कर और आने वाले दिनों में उनके वंश उत्पन्न होने पाए, से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू दया कर, रहम कर, रहम कर परमेश्वर, यीशु के नाम से।
धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन प्रिय भाई बहनों के लिए और उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो टूट रहा है, बिखर रहा है, अलग अलग हो रहा है, परमेश्वर यीशु के नाम से उन परिवारों के बीच में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े पाप अपराध झूठ सब खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और विशेष करके उन पति पत्नियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अलग अलग है, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवनों को बदल दे ताकि पिता परमेश्वर वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे और एक दूसरे से प्रेम करे, से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और सबसे ज्यादा तेरा आदर करने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से, जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पति पत्नी एक साथ मिलने पाए, एक साथ रहने पाए और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद 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 खुदा। और पिता परमेश्वर जितने भी कोर्ट के केस में फंसे हैं यीशु के नाम से छुड़ा ले, उनकी तू सहायता कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से बचा ले, अंधकार की शक्तियों से बचा ले, शैतान की सारी योजनाओं से बचा ले। और जितनों ने भी पिता परमेश्वर केस धोखे से उन्हें फंसाया है, केस किया है, उनके जीवन को बदल दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो नशा करते हैं, जो गलत संगति में है, बुरे विचार में है, बुरी आदतों में फंसे हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनका नशा छूट जाए, उनका व्यभिचार करना छूट जाए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना छूट जाए, एक दूसरे को झूठ बोलना छूट जाए, मोबाइल की गेम जो गंदी आदत है वो छूट जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। सब प्रकार की गंदी आदत छूट जाए पिता परमेश्वर, उनका नशा छूट जाए। और पिता परमेश्वर तेरे वचन को थामने वाले बन जाए, बुरी संगति को छोड़कर तेरी संगति करने वाले बन जाए, तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले बन जाए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तो दया कर और रहम कर और परमेश्वर उनके जीवनों को बदल दे प्रभु, तेरे राज्य के वारिस होने पाए और तेरे लिए जीने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तूने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी तेरे दास और दासी कहलाते हैं, तेरे लोग कहलाते हैं और जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं परमेश्वर, सभी को तेरे पवित्र लहू के नीचे लाता हूँ और यीशु के सामर्थ्य लहू में तेरे वचन की सामर्थ्य को प्राप्त करके पिता परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन फैलाने पाए। और पिता परमेश्वर जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, कई प्रिय भाई बहन, कई सेवक, कई पास्टर्स, कई दास पिता परमेश्वर अपने परिवार के द्वारा, अपने पड़ोसी के द्वारा, अपने नगर के द्वारा, अपने देश के द्वारा सताए जा रहे प्रभु यीशु के नाम से, उन्हें हिम्मत और हिया दे, शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर खड़े रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके अभी तक विवाह नहीं हुआ, परमेश्वर सही समय पर विवाह होने पाए और सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें खत्म हो जाए प्रभु, तू दया कर पिता परमेश्वर। कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो बिजनेस के लिए पिता परमेश्वर लोन लिया है परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर पास होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जिनके भी अभी तक वीजा तैयार नहीं हुआ है परमेश्वर, उनका वीजा तैयार होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि वो देश विदेश जा सके प्रभु आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। विशेष करके उन शहरों के लिए, उन जिलों के लिए, उन राज्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ बाढ़ आ गई है, जो डूब में चल रहे हैं परमेश्वर यीशु के नाम से, तो हमारे गुनाहों को, हमारे पाप और अपराधों को तो क्षमा करके पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर तू रक्षा कर यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर महाराष्ट्र को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, मध्य प्रदेश को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उत्तराखंड को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, पंजाब को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और जितने भी नगर जिले, जितने भी पिता परमेश्वर बाढ़ के चपेट में है प्रभु तू बचा ले, बचा ले, बचा ले यीशु के नाम से। हाँ रब्बा, हाँ पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करे परमेश्वर, पिता के नाम की महिमा करे। चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु के पीछे चले, प्रभु आपको सारे संकट से, सारी विपत्तियों से बचाएगा, सारी तकलीफों से बचाएगा। प्रजलाड प्रजलाड हमारा खुदा महान है और वो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर योग्य है छुड़ाने के लिए, इसलिए प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के चरणों में आ जाइए,
प्रभु हमारी जरूर रक्षा करेगा, हमारी वो सहायता करेगा और हमें सारी विपत्तियों से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। इस भारत देश को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु। इस भारत देश के हर एक संचालकों को तेरे पवित्र लहू के नीचे लाता हूं और पिता परमेश्वर इस भारत देश को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए तू सहायता और मदद कर, पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत कर। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे परमेश्वर, हमारे किसान भाई बहनों के फसल नुकसान ना हो परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ने आशीषित कर, अगली और पिछली दोनों फसल अच्छी आने पाए और परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर किसान भाई बहन आपकी महिमा करे से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। इस दिन को तेरे पवित्र लहू के नीचे लाते हैं पिता परमेश्वर। तू आशीषित कर, धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन। धर्मेश्वर ने बोला आमेन। मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, उसने कहा मैं तुझे सारी विपत्तियों से रक्षा करूंगा, सहायता करूंगा, मदद करूंगा, बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए प्रभु में, खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।